जैसे कि आपने कंटेंट पढ़ा होगा, अब हिंदू धर्म की वापसी, जो वो कह रहे हैं कि घर वापसी करो, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। उनके भाई यानी कि बागेश्वर वाले के भाई, धीरेंद्र शास्त्री के भाई सालग्राम गर्ग एससी समाज की एक शादी में घुस जाते हैं, बिना बुलाए, बुलाया नहीं किसी ने। और घुसते कैसे हैं साहब? तमंचे और सिगरेट के साथ घुसते हैं। इसको कहते हैं बेगानी शादी में आतंकी दीवाना, जिसका भाई बाबागिरी करता हो तो उसका भाई क्या गुंडागिरी करेगा? तुमने अभी तक ओबीसी के लोगों को दबाया होगा, तुमने मोरे, शाके, पासी, लोधी, इन सब की जमीनों पर कब्जा किया, इन सबको गालियां दी, इन सबको मारने की धमकियां दी, इन सबको काफी गरिया लिया, गाल गाजर मूली बेचने वाले खुलकर गालियां दी जातियों का नाम लेकर। लेकिन अब तुम ये क्या कर बैठे? बहुत बड़ी गलती कर गए। तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम करने क्या जा रहे हैं। तुमने जैसे ओबीसी को समझा कि वो तुम्हारा चरण वंदन करता रहेगा, आंख बंद करके तुम्हारा गुलाम रहेगा, वैसे ही एससी भी रहेगा क्या? ओबीसी समझे हो क्या जो तुम्हारा शोषण सहकर चुप बैठ जाए? अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने केवल 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी थी। क्यों इन्हें याद करा रहे हो? क्यों इन्हें इनका शौर्यवीर इतिहास याद करा रहे हो? क्यों नहीं ध्यान रख रहे तुम इस बात का कि ये जो वर्ग है ये केवल रोटी खाने के लिए नहीं पलता, ये स्वाभिमान, सम्मान, आत्मसम्मान के लिए मरता है। ये स्वाभिमानी समाज है। तुम्हारे पंडालों में इनकी भीड़, इनकी महिलाएं, और तुम इन्हीं के ऊपर हमला करने जाओगे तो तुम्हारे पंडालों में फिर कथा किसको सुनाओगे भाई? चलिए पहले पूरा वाक्य सुन समझा देती हूं ताकि आपको लगे कि हाँ बात कहां चल रही है। धीरेंद्र शास्त्री गर्ग ने अभी सामूहिक विवाह करवाया। अब ब्राह्मण समाज की तो कन्याएं गरीब है नहीं, तो कराएं किसकी शादी? दिखावा जो करना था। अब ये सारा दिखावा करने के लिए उन्हें कुछ तो लड़कियां ट्रेंड हो गई कि ठीक है हम किसी के भी साथ बैठ जाएंगे, जोड़ा पहनकर शादी का ये लगना चाहिए कि भी शादी हो रही है, बैठ गई। अब उन्हें 51 शायद जितने भी विवाह करने होंगे उसमें कुछ कम पड़ी। जब वो कम पड़ी तो जबरन एससी समाज की बेटियों को और लड़कों को कहा कि तुम शादी करो, तुम हमारे पंडाल में आके शादी करो, हमारे कैमरों के सामने, हमारी जनता के सामने, ताकि लगे कि हमने शादियां करवाई हैं। जानते उन्होंने क्या कहा? धीरेंद्र शास्त्री, हमें तुम्हारे पंडाल में शादी नहीं करनी है। और वो लोग एक अलग जगह पर सामूहिक विवाह का सम्मेलन करते हैं। जब सामूहिक विवाह का सम्मेलन करते हैं तो धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई को यानी कि सालग्राम गर्ग को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे भाई के सामने नेता टूटते हैं, मुख्यमंत्री तक उसके पैर छूते हैं, और तुमने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया? बहुत गुस्सा आया। उधर सामूहिक विवाह चल रहे थे, एक तो दिखावे के लिए चल रहे थे और उधर सच्चे विवाह चल रहे थे। अब दिखावी ड्रामे में जब एससी समुदाय के लोग शामिल नहीं हुए, उन्होंने कहा कि हमें दिखावा नहीं करना है, हमने सच में विवाह करवाने हैं और उसके लिए हमारी खुद की तैयारी है, हमें नहीं आना है उधर। तो उन्होंने कहा तुम्हारी इतनी जरूरत, और धीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई सालग्राम गर्ग मूछों को ताव देते हुए, इस घमंड में चूर होते हुए कि मेरे भाई के पैरों में नेता बैठते हैं, तमंचा उठाकर
सिगरेट पीकर पंडाल में पहुंच गया। कहां? पंडाल में, और किसके? ऐसी समुदाय के। लेकिन जाते वक्त वो ये भूल गया कि मैं ऐसी समाज के पंडाल में घुस गया या ओबीसी के। घुस तो गया, लेकिन अब तुम्हारी जो लंका जलेगी, अब तुम्हारी जो लंका तुमने खड़ी की है पाखंड के साम्राज्य की, अब इस साम्राज्य को ध्वस्त होने से कैसे बचाओगे? क्या तुमने एक बार भी सोचा कि गुंडे करने के साथ साथ तुम एक बाबा के छोटे भाई भी हो, जो बाबा बहुत बड़ी सज्जन बातें करता है, जिसका महिमा मंडन बकलोली मीडिया रात दिन करता है, क्योंकि मीडिया का कोई मीडिया नहीं रह गया, वो मनु मीडिया हो गया, वो सिर्फ मनुवाद की बात करता है, मनुवाद को आगे बढ़ाता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को जाकर ये बताएंगे कि मुझे साथ दो धर्म बढ़ाने के लिए, मैं तुम्हें धर्म दूंगा। तमंचे से धीरेन्द्र शास्त्री का भाई ये कहेगा, तमंचे से उड़ाकर केवल उसने यही नहीं किया है, लोगों ने तमंचा छीन लिया है, वरना गोलीबारी चल जाती वहां, और बेहद गंदी भद्दियां गाली दे रहा है उस पर। मैं अभी आपको वो वीडियो दिखाती सुनाती, लेकिन मैं नहीं चाहती इस तरह की बलगत चीजों को यहां पर दिखाना। इतनी गंदी भद्दी गालियों को मैं आपको नहीं सुना सकती, पर हां वो हो सकता है वीडियो आपके पास पहुंच गई हो कहीं ना कहीं से। इतनी भद्दी गंदी गालियां दे रहा है, इसका मतलब तुम यही हिंदू धर्म चाहते हो जिसमें इनको जब मन करे जब गाली दे दो, जब मन कर चाहे जब तमंचा ले जाकर के इनके सामने खड़े हो जाओ। जब आज भारतीय संविधान का कानून है, तब तुम तमंचा लेकर के अपनी गुंडे दिखा रहे हो खुलेआम, और तुम उनकी भीड़ में घुस गए जाकर। दोबारा मत घुस जाना। तुम कानून भूल सकते हो, तो तुम ये भी याद रखो कि सामने वाला भी भूल सकता है। ये क्यों भूल जाते हो? जब तुम कानून भूल सकते हो तो सामने वाला भी भूल सकता है ना। अगर ये भूल गए तब क्या होगा तुम्हारा? तुम इनको गुंडे ही दिखा रहे हो, अगर ये आ गए कहने पर, जो तुम इन पर हाथ चला रहे हो उस हाथ को पकड़ने के लिए इन्होंने हाथ उठा लिया, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे हाथ रह जाएंगे? ये तो संख्या में इतने हैं कि अगर ये मुट्ठी बांध के खड़े हो जाए तो फिर तुम चीख जाओगे। इनको डरा रहे हो? गलत जगह हाथ डाल दिया है। शायद जिस साम्राज्य का सपना तुम देख रहे थे, वो छोटी उम्र में तुमने बढ़ाया, और बहुत छोटी उम्र में ये ढहने वाला है। आप कुछ भी बढ़ाइए, आप कोई भी बिजनेस करिए, आप धंधा धर्म का चलाइए, कुछ भी करिए, लेकिन तमंचे की चोट पर तो मत करिए, पाखंड के जोर पर तो मत करिए। मैं चाहती हूं आप व्यापार करें, आप बिजनेसमैन बने, आप काम करें, पैसा कमाएं, लेकिन पाखंड फैलाकर पैसा कमाना, ये तो पूरे देश के सत्यानाश कर देना है। अभी और पाखंडी इसको सपोर्ट भी करेंगे, कहेंगे ये तो विपक्ष का काम है, ये तो उनके खिलाफ साजिश है, और वो पाखंडी इस अपराध को जस्टिफाई करेंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। आपने सुनी होगी बागेश्वर धाम की जो वीडियो है, जो विवाह की वीडियो है, चार लड़कियों के हाथ में माइक दिया और चारों एक ही रटी रटाई लाइन बोल रही और चारों रोई, ऐसा नहीं कि एक भी ना रोई हो, चारों रोई हैं। यानी क्या जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, एकदम जबरदस्त ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग में ये भी भूल जाते हैं कि आजकल लोग इतने मूर्ख नहीं रहे, तुमने हमारे पुरखों को मूर्ख बनाया था, हमें ना बना पाओगे, हमें बनाने के लिए आपको अब कई जन्म लेने पड़ेंगे। ये दौर बराबरी का होगा, ये दौर समानता का होगा, हक हकूक छीनने खाने का नहीं होगा, यहां न्याय का बंटवारा होगा। ये नहीं कि तुम जाति के नाम से ऊंचे बनकर घमंड में लगाकर मूछे और दे रहे हो ताप कि भाई मैं जाति से ऊंचा हूं, और जाति से ऊंचा भी कैसा, केवल जन्म लिया है। क्या जन्म लिया है? जन्म लेते वक्त तुम 12-15 महीने में पैदा होते ना, तुम ठीक उसी 9 महीने में पैदा क्यों हुए जितने में हम होते हैं, जितने में देश के बाकी लोग होते हैं, दुनिया के बाकी लोग होते हैं? या तुम वहां से क्यों पैदा होते हो, किसी अन्य जगह से होते तो तुम काहे के ऊंचे हो गए भाई, काहे के ऊंचे हो, किस चीज का घमंड है? ऊंचाई का एक कारण बताओ कि तुम्हारे पास ऊंचाई का ये कारण है। इस घमंड पे तुम लोगों के कान पे तमंचा रखते हो। ऊंचाई का एक कारण बता दो तो हम भी मान लेंगे कि हां जो तुम घमंड दिखा रहे हो ये वास्तव में होना चाहिए। पाखंड फैलाने का घमंड सिर्फ,
मंदिर के नाम पर रोजी रोटी खाना, देवी देवताओं को बदनाम करके, उनके चित्र बना करके, उन चित्रों पर प्रचार चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, चढ़ावा चढ़ाकर अपना पेट फुलाना, ये घमंड का कारण हो गया भाई, ये तो घृणा का कारण हो गया। शर्म आनी चाहिए, कमा के नहीं खाते हो, मेहनत नहीं करते हो, फावड़ा नहीं चलाते हो, कथा सुनाते हो, बस बकलोल करने में ही। रोटी मिल रही है तो क्यों काम करोगे तुम? केवल इस वजह से कि तुम जाति के ऊंचे हो। जातीयता का घमंड जल्दी नीचे आने वाला है। इस समय देश उस दौर से गुजर रहा है जब यह बराबरी के लिए प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, और यह संघर्ष यूं ही नहीं मिट सकता। इस संघर्ष में हम अपनी जानें तक देने को तैयार हैं। तुम हमें रात दिन धमकियां देते हो, हम फिर भी नहीं रुकते। तो समझ लो कि ये किसी लालच के लिए नहीं चल रहा है, ये स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है, ये सम्मान की लड़ाई चल रही है, ये बराबरी की लड़ाई चल रही है, ये न्याय की लड़ाई चल रही है।